जहां मैं घर घर खेली, जहां मैं घर घर खेली, घर घर पढ़ने के बेटा बहुत तरीके होते हैं, पढ़ने का एक तरीका नहीं होता है, ये सुनो, पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं और कभी भी मस्ती से पढ़ो वो काम का है। देख भाई, वैसे भी तू इस कोर्स में आ चुका है तो अब तेरे पास ऑप्शन तो है नहीं, अब या तो खुश रह के पढ़ ले या उदास रह के पढ़ ले। तो भाई खुश रह के पढ़ना, तेरे को जैसा समझ। देख बॉस, मेरे केस में कैसा था, बहुत सिंपल था। मेरे केस में ऐसा प्रॉब्लम था कि हमारे को क्लासेस वगैरह नहीं थी, हमारे को फाइनल में क्लासेस, बाकी क्लासेस वासेस नहीं थी, तो हमारे को क्या करना पड़ता था, हमारे को ऐसा ही कुछ तो करके, आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो लेट बैक 10 years 12 years अगो, हमारे को इतनी क्लासेस नहीं थी, तो हमारे को ऐसे ही आड़े टेढ़े करके कुछ तो सेक्शन को याद रखना पड़ता था। अभी तुम्हारे को रेडीमेड मिल रहा है, हमारे को कुछ तो ऐसा आड़ा टेढ़ा करके याद रखना पड़ता था, घर घर ये कैसे रिलेटेड है। देख एजुकेशन को ना तो तेरा पावर बना, अगर तू इसको ना ये करेगा कि बॉस नहीं यार मेरे से तो नहीं हो रहा, सिलेबस बढ़ा है, तो सिलेबस तुम्हारा आज से नहीं बढ़ा है, पहले से ही सिलेबस का कोर्स इतना ही बढ़ा है तुम्हारा। तुमको ये लग रहा होगा कि यार पहले एग्जाम इजी आते थे, अब कैसे हार्ड हार्ड पेपर निकालते, ऐसा कुछ नहीं, हमारे टाइम भी उतनी लगती थी। तो ऐसा कुछ नहीं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए हैं वो सब इन प्रोसेस से गुजरे हैं। आपके मन में आता होगा यार इतने सेक्शन कैसे याद रखेंगे, इतने प्रोविजन कैसे याद रखेंगे, तो भाई साहब यही तो बात है ना, फिर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके घूमता है, इंजीनियर पेचकस लेके घूमता है, हम सीए ब्रेन लेके घूमते हैं। अपना बेसिक रूल है भाई, अपन ब्रेन लेके घूमते। आपने कभी देखा क्या सीए के पास कोई औजार रहता? बेटा अपने को औजारों की जरूरत नहीं है, ब्रेन शार्प है, औजार शार्प करने की जरूरत ही नहीं, ब्रेन शार्प है अपना। हाँ भी, अरे भाई अपने को जो डिग्री, अपनी डिग्री का प्राउड करने का अटेम्प्ट लगे तो क्या, एक्सपीरियंस लिया हमने, अटेम्प्ट नहीं लगे, हमने कोर्स में एक्सपीरियंस लिया। आई लाइक दिस लेवल वेरी मच, इसलिए 2-3 बार इस लेवल को खेला मैंने। एटीट्यूड डिफर्स, एटीट्यूड डिफर। तुम्हारा दोस्त पास हुए, तुम पास नहीं हुए ना, मां कसम फेसबुक पे जाने का और लिखने का, ऑल माय फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, आई हैव एक्सटेंडेड 6 months ऑफ माय स्टूडेंट लाइफ। एटीट्यूड डिफर रे, आई एक्सटेंडेड 6 months ऑफ माय स्टूडेंट लाइफ। जिसने पढ़ा स्वैग है भाई का, फेल होने पे भी एटीट्यूड कम नहीं है, छुट्टी ना है। देख भाई पास फेल चलता रहेगा रे, एटीट्यूड में कमी नहीं आनी चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। किसी का जल्दी हुआ, किसी का लेट हुआ, जो जल्दी हो गए देखना एक दिन तुम्हारे पास ही काम मांगने आएंगे। अपने आप को ये समझाओ पहले, बाकी का फ्यूचर बाद में देखेंगे, पर मोटिवेशन तो जगा के रखो अंदर का कुछ तो। ऐसे आड़े टेढ़े हरकत करते रहने का, पढ़ाई करते वक्त ऐसा दीवारों को समझाने का और कुछ नहीं, दीवारों को समझाने का बैठे बैठे। एक बार पढ़ लिया, सामने दीवार है, दीवार को समझाने का लाइब्रेरी में, समझा का तेरे को, आजू बाजू वाले और 2-3 डिस्टर्ब। अच्छा मान ले अगर कोई सीपीटी वाला आके लाइब्रेरी में बैठा और तुमको ये हरकतें करते हुए दिख रहा, इट सेव्स कॉम्पिटिशन। अच्छा अपना कोर्स भी साला एक तो इतना बेकार है ना, कब जूनियर सीनियर बन जाए पता नहीं चलता। इसीलिए अपने यहाँ रैगिंग नहीं होती रे, सीए में रैगिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि कब अपना जूनियर सीनियर बन जाए और सीनियर जूनियर बन जाए पता नहीं चलता। तो ऐसा करते रहने का कॉम्पिटिशन रिड्यूस होता, लाइब्रेरी में ऐसी हरकतें करते रहने का, राइट, अचानक लाइब्रेरी में पढ़ रहे उड़ जाने का, दो तीन ने हैंग ही होने का उधर, क्या पढ़ रहा रे, क्या पढ़ रहा है नू, हौले जैसा पढ़ रहा है ये, ऐसा पागल जैसा करने का थोड़ा बहुत, इससे आपका भी मूड फ्रेश होता। बहुत देर से अगर बाजू बैठी और देख नहीं रही हो, अचानक देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रे, अचानक देखेंगे और बोलेंगे बात है इसमें कुछ फैक्ट अपने को पता है रे, फैक्ट अपने को पता है, लेकिन ऐसी हरकतें कर देने का पूरा लाइब्रेरी साला तुम्हारे बारे में बात करता रहेगा, और अगर तुम्हारे को जगह नहीं मिल रही होगी ना, सब बोलेंगे शहनशाह है, जगह छोड़,
ये बाबा कुछ तो हवा में करते और पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर देते ऐसा हरकतें करने का हम लोग ऐसा करने के, क्योंकि हमारे जो जलगांव था, मैं आपको जलगांव था, आई वॉज इन जलगांव, हम लोग लाइब्रेरी में बैठेंगे। अब लाइब्रेरी में पूरे पूरे गांव के बच्चे, सीए के भी बच्चे, सीएस के भी बच्चे, वहाँ पे यू नो आईएमआर कॉलेज है, आईएमआर कॉलेज, और उसके बाद आईएमआर ने तो एक महीने चलाया, उसके बाद बाहेती कॉलेज है जलगांव के अंदर में, राइट। तो वहाँ पे हम लोग जाने का और वहाँ पे बैठ जाने का। अब क्या होता था, सारे सीनियर सीपीटी वाले भी आके पढ़ रहे, आईपीसीसी वाले भी पढ़ रहे, हमारे टाइम आईपीसीसी था, तो सीपीटी वाले पढ़ रहे, आईपीसीसी वाले पढ़ रहे, फाइनल वाले भी पढ़ रहे, और ऐसे अच्छा लाइब्रेरी में ना कुछ लोग का अलग स्वैग होता है, एक बेंच उस पर मैं ही बैठूंगा, कोई और नहीं, राइट। तो अपनी आधी बुक इधर, आधी बुक इधर, बीच में इतनी सी बुक में वो पढ़ता, तो अब जगह नहीं देने गए, तो एक हद बार क्या करने का, ऐसा उठ के कांड कर देने का। हमने एक बार किया हुआ है ये, इसके लिए मेरे को याद है और आपको बता रहा, बिंदास उठ जाने का, ऐसा कुछ तो भी कर देने का, कान में म्यूजिक डालने का, खड़े हो जाने का सबके तरफ देखते हुए, ठीक है, आंखें बंद, ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ, ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ। इमेजिन करो कोई एकदम शांत पड़ रहा और तुम्हारी ऐसी हरकत देख रहा, वो दो मिनट तुम्हारे बारे में सोचता है और बोलता है, प्रेस्टीज पॉइंट की भूत नहीं आई अंग में इसके। करने का रे, पढ़ाई से जब भी बोर हो जाओ, ऐसी कुछ भी हरकत करने का जो तुम्हारे को पूरा मतलब दूसरों के मजे ही ले लेने का डायरेक्ट, और उसके बाद जो तुम रिफ्रेश हो जाते ना, आ हा हा, तो ऐसा कुछ तो हरकतें करते रहने का, घर घर खेली, ये खेलो जो जहाँ देख, और पढ़ता है क्या, पढ़ते वक्त अगर तेरे को सुन इंग्लिश में पढ़ रहा है तो तेरे को मराठी समझते है, तेरे को मराठी में जम रहा है ना, वो बुक के बाजू में मराठी में लिख देने का कि ओरिजिनली बोलना क्या चाहता है, तेरे को जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिख, ये सुनो फर्क नहीं पड़ता, अपने को पास होने से मतलब है, अपना धर्म एक इसी है, अपना एक ही धर्म है। अब वो कैसे भी करने का, क्वेश्चन बना, ये बना, वो बना, दो तीन लोगों को जाकर के कुछ नहीं समझ रहा पूछ ले, ऐसा कई बार होता है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं समझ में आया, दोस्त ने पढ़ाया उसको समझ में आ गया, पढ़ने का, डिस्कस करने का। हम लोग ऑडिट क्या करने के, डिस्कस करने के, ऑडिट ऐसी चीज है जो पढ़ने को बहुत ही दुनिया की सबसे बकवास चीज है, ये सुनो, और उसके अंदर के वर्ड आहा, दो दो सब्जेक्ट सर मेरे को समझ ही नहीं आते है क्यों, पहला मैथ्स, अल्फा थीटा गामा बीटा किधर यूज हो रहा रे, डेरिवेटिव काय का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन काय का इंटीग्रेट क्यों कर रहे पता नहीं, हमको कौन सा आईटी आईटी इंजीनियर बनना है भाई, हमको आईटी वालों के टैक्स प्लानिंग करनी है, दूसरा आईटी दिखता कुछ नहीं समझना पूरा है, सिक्स लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, काय की लेयर, मैं तो बोलता हूँ वो पढ़ाने वाले टीचर महान है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं लिटरली। दूसरा वो ऑडिट, मतलब बच्चा आज तक आर्टिकल शिप में गया नहीं है, ठीक है, उसको तुम पढ़ा रहे ऑडिट, यू नो वहां जाके ऐसा सिस्टम एरर रहता उसमें से बग बाहर निकालना, और ऑडिट सिस्टम ऑडिट का ये पार्ट है, पहले तो ऑडिट ना समझे, दूसरा आईटी ना समझे, तुम हमको पढ़ा रहे सिस्टम ऑडिट। अच्छा ऑडिट पढ़ते पढ़ते, अच्छा उसने परचेसेस में ये 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 चेक कर देना और उल्टा नाइक का ये बना देना, उल्टा नाइक का क्या बना देना, टिक बना। पढ़ाने वाले टीचर महान है सर, ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर, टैक्स ऐसा होता है कि समझता है, इनकम आती है टैक्स देते हैं, ये थोड़ा सेंसिबल लगता है कि कुछ समझेगा। एक और सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, मैं मेरा तकलीफ बताता हूँ, पढ़ाने वाले टीचर बहुत सुपर, पढ़ाने वाले टीचर बहुत सुपर, मेरे साथ तकलीफ क्या है पता है, प्रॉब्लम देखे तो मेरे को ये नहीं समझ में आता था ये स्टैंडर्ड का है मार्जिनल का है या प्रोसेस का है। अरे सच में तुम कॉस्टिंग के प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे कैसा होता है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम, कैलकुलेट टोटल इनकम, यू नो वेयर द एंड इज, यू नो वेयर द एंड इज, उधर का ही सारे था प्रॉब्लम पढ़ने का, उसमें पहला वर्ड मिलता फैक्ट्री ओवरहेड्स, आप सोचते ये कॉस्ट शीट का है, फिर बोलते नहीं नहीं ये ओवरहेड्स भी हो सकता ना, ओवरहेड वर्ड लिखा है ये ओवरहेड्स का है, फिर नीचे आता वरायंस, आई थिंक दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
फिर नीचे आता कहीं पे तो प्रॉफिट, ए मार्जिनल और ले देके नीचे आता कैलकुलेट द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट, और उसमें भी अगर कोई जॉब से रिलेटेड एक वर्ड मिल जाना, जॉब, हाँ जॉब कॉस्टिंग, बोला था पढ़ बैच जॉब। और साला ना कभी कभी तो ऐसा भी होता कि ईओ टू में वो अपन फॉर्मूला तो रट लेते पर उसका फुल फॉर्म क्या था बे वो ईओ टू अपॉन टू और ऊपर छतरी, अरे है ना वो ऊपर क्या बोलते रहे उसको, स्क्वेयर रूट मेरे को बोलते नहीं जमता हो गए 10 साल मेरे को काय को याद रखने का है स्क्वेयर रूट को। हमारे इनकम टैक्स में ऐसा कुछ स्क्वेयर रूट नहीं है, पर तुम्हारी जितनी रूट है वो सब कवर है। अरे भाई रे भाई, ऐसा मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट को तो देख के ना ऐसा लगता था कि ये क्यों और क्या, किसका भूला हुआ प्यार था जो ये यहाँ निकाल रहा है। पर हाँ कुछ सब्जेक्ट को देख के बहुत मजा आता है, FM बहुत मजा आएगा आपको समझ गया तो, GST समझ गया तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो यू विल बी स्टक्ड विथ एग्जम्पशन लिस्ट, निगेटिव लिस्ट, इनपुट क्रेडिट, सप्लाई, ये आपका, अरे सच में कंफ्यूजन होता है मेरे भाई सच में। फिर वो बड़ा चार्ट खोल के देखना पड़ता किधर से क्या था, हाँ ये था। और DT में बताऊं तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तुम पहला प्रोविजन पढ़ेगी दूसरा भूल जाते हैं, ये हद रद्दी टॉपिक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हद रद्दी टॉपिक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है, यू विल बी लाइक साला PGPP पढ़ा तो सैलरी भूल गया, सैलरी पढ़ा तो HP भूल गया। तो हर सब्जेक्ट के साथ है, पर मेरे भाई एक बात याद रख, यही बस वो प्रॉब्लम है जिससे तेरे को ओवरकम करना है, क्योंकि इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज है वो सब एंडलेस है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो सब एंडलेस है। अच्छा ये कोर्स कुछ और भी चीजें सिखा रहा है, पहले अपने राइटिंग बिगाड़ना कैसे ये कोर्स सिखाता है, ये आप सोचो आपकी राइटिंग पहले कैसी थी और अब कैसी है, आधी जलेबियां। मैं आपको बताता हूँ CA के मैं, हम लोग है ना अभी पेपर टेस्ट सीरीज विंग जो है ना उसमें कई बार हम भी बैठते हैं पूर्वा मैम के साथ कि मैम एक बार दिखाओ पेपर कैसे, मतलब स्पेलिंग नहीं है। अच्छा मैं तो भूलता ही भूलता हूँ, आप देखना मेरे मतलब हर रोज के लेक्चर में ना 2-3 स्पेलिंग आप डेफिनेटली मेरी रॉन्ग पाओगे, ठीक है। अपने को पढ़ते पढ़ते अब पढ़ रहा हूँ डिडक्शन का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, अपनी हैबिट बन जाती, पहला स्पेलिंग याद नहीं आ रहा तो जितने वर्ड याद आते उतने और उसके आगे जलेबी लिख रहे, लिख टेंशन नहीं लेने का, लिखने का कुछ भी, पहला ये चीज सिखाता है। दूसरा ये कोर्स बताता है कि कैसे बैठे बैठे आप मोटे हो सकते हो, मोटे होने के 10 तरीके CA कोर्स। तीसरा ये कोर्स बताता है आपकी मेमोरी कितनी शार्प नहीं हो सकती है, आप जितना समझ रहे हो उतनी शार्प नहीं हो। अच्छा चौथा कैसे जल्दी दाढ़ी बढ़ाए, वो भी इस कोर्स में आता है, सच में वो भी इस कोर्स में आता है। आदमी को कटाने के लिए टाइम नहीं मिलता तो बढ़ेगी और क्या होगी, तो भाई ये कोर्स बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये कोर्स सिखाता है वो है पेशेंस। आप CA करते रहो, सड़क पे जाते रहो, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया ना, किसी ने आके आपको ठोकी, आप फिर भी बोलो सब कोई बात सॉरी अरे उससे बैठ के वहां झगड़ने के बदले अपन इधर सोचते रहते वो मास्टर ने 4 सेक्शन पढ़ा दिए होंगे, रे तू जान दे वो वहां पे मेरा मार्जिनल गया, ओ वहां पे डेबिट क्रेडिट, अरे ट्रायल बैलेंस जा रहा तू छोड़ ना, गाड़ी को लग गई छोड़ दे मेरे को आदत है, वैसे भी बहुत ठोकी जा रही है तू जा, कोई गाड़ी भी ठोक के जाएगा ना यू विल बी पेशेंस। अटेम्प्ट ना पेशेंस सिखाता है, कोई बात नहीं इट्स ओके। अच्छा कोई आपको कुछ बोल के भी जा रहा है ना तो ये भी पेशेंस का ही पार्ट होता है, कोई बोल के जा रहा, अच्छा दोस्त एकदम हद वाले लेवल वाले होते हैं, आएंगे बोलेंगे तूने ये पढ़ा नहीं क्या, इंपॉर्टेंट था ये पढ़ा नहीं क्या, और किस्मत देखना तुमने 2 दिन पहले भी पढ़ा होगा ना तो वो मोमेंट पे याद नहीं आएगा, एंड यू आर लाइक पूरा खा लोगे याद नहीं आएगा, एंड यू आर पे पेशेंस जो सिखाता है ना बॉस ये कोर्स और कोई नहीं सिखा सकता, पेशेंस। दूसरा डिटर्मिनेशन, और तीसरा
छोटू सी चिंगारी मोटिवेशन की भी, हाँ मैं सीए बनेगा, तेरे भाई सीए बनेगा, एंड देन यू सी अ टेस्ट पेपर, दो मिनट, मतलब बैटरी इतनी जल्दी रिचार्ज करता नहीं, दो मिनट का मोटिवेशन तुम्हारा रिचार्ज कर देगा, और बस भाई ये कोर्स ना तुमको एक चीज जरूर बनाता है, और वो है थिंकिंग कैपेसिटी तुम्हारी भयंकर डेवलप कर देता है। ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, ऐसा क्यों नहीं, इस मेन इस पॉइंट में साला मेन कॉन्सेप्ट ही जाता, ये ऐसा क्यों नहीं, फिर वो ऐसा हुआ तो क्या, मतलब प्रोविजन में सीधा सीधा लिखा है फॉर टू चिल्ड्रंस, इसके आगे का जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करते हो ना तुम, ये दो, अरे स्केप्टिसिज्म रे, इसके आगे का जो तुम लोग करते हो ना, दो कैसे होने, एक के आगे और दो एक साथ हो गए तो क्या, तो सर हो गए रिफ्रेश, आओ धंधे पे ध्यान दो, ये आपको सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए था और कुछ नहीं, आ जाओ, हाँ टाइम बाकी रे, बहुत बाकी है, ये इतना है उसको भी तो रिकवर करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, देखा टाइम, देखा घड़ी, मतलब सालों के हाथ में घड़ी नहीं सर, टाइम हो गया, ये कोर्स ये भी सिखाता है, हम मतलब यू नो ये कोर्स ये भी बताता है, लाइब्रेरी से बाहर खिड़की से देख रहे, धूप थोड़ी सी ज्यादा गर्म दिख रही, तीन तो बजी गए होंगे रे, चाय का टाइम हो गया चल रहे ये धूप देख के टाइम देखना भी सिखाता है भाई, कभी ट्राई कर लेना, धूप देख के बस इतने बजे होंगे अभी, चलो आओ, हाँ सीए बना रहे हो या आदिवासी बना रहे हो, एक बात बताओ तुम लोग कौन सी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो बे, तुम आदिवासी तो हो ऐसे, पहली बात तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में बैठे हो जहां पे तीन टाइल के बाद धूप नहीं आती, कवरेज यहां आता नहीं, बराबर है, बाथरूम इतने जबरदस्त साफ है, यू विल फील लाइक आहा, यू विल फील लाइक मैं यहीं क्यों नहीं रह जाता, हाँ कुछ बंद कमरों में बैठे हो गुफा में, यू नो कॉन्सेंट्रेट करते हुए, इच्छा हो या ना हो, बेटा मतलब आम लोगों की भाषा में ना इसे नागा साधु कहते हैं, भस्म लगाए, वो भस्म लगाते तुम किताब लगाते आंग पे बराबर है कि नहीं, तुम में और साधु में डिफरेंस क्या है वे, ठीक है खाने को उनका भी अच्छा नहीं मिलता तुम्हारी भी कोई लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो भी एक ही जगह हिमालय में जाके बैठ जाते, तुम्हारे भी यही हाल है, यहां आके बैठे हो, नाम बदल दिया गया है, मॉडर्न साधु बोलते तुमको, तुम लोग मॉडर्न साधु हो, ये सुनो राइट। अच्छा उसके बाद में जो शिक्षा दे रहे उनको भी देखो कभी क्या हाल है उनके, वो भी वैसी वे भी वैसी, तो तुम बेटा कुछ अलग नहीं हो, तुम बिल्कुल सेम पैटर्न में हो, सेम कैटेगरी में हो राइट, और सीए कभी नहीं हो पाया तो नागा साधु में तुमको यू एंट्री मिलेंगी, कुंभ मेला में जाना तुम्हारी हालत देख के दो साधु बोलेंगे आजा बेटा तू भी सीए में ही था क्या तू भी सीए में था क्या, एक काम कर आजा तू भी, कोई बात नहीं रे आज जिन जिन की बैलेंस शीट बनी है वो हमारे आके पैर छू रहे हैं, तू आजा तो दिस अ बेस्ट प्रोफेशन बॉस खैर बट बाय द मतलब अपार्ट फ्रॉम द जोक वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स, इतनी कम कॉस्ट में इतना ज्यादा आउटपुट इंडिया का कोई अदर कोर्स नहीं दे सकता, ये कोर्स आपसे पैसा डिमांड नहीं करता पर एक चीज डिमांड करता है, वो है करेज, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, जो इस कोर्स में है ना बॉस कोई और कोर्स में नहीं है, मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज देख लिए समझ लिए बट सीए डिग्री में जो है मजा और कहीं नहीं। अच्छा तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम भी होगी मैं आपको बताता हूँ, तुमको अगर शायद एक आधा अटेम्प्ट भी लग गया होगा ना, एक दो अटेम्प्ट भी लग गया होगा ना, तो भी तुम ना इस कोर्स से बाहर नहीं निकल पाओगे, पता नहीं अजीब ग्रेविटी है कोर्स की, क्योंकि तुम आके फंस गए हो बीच में, अजीब ग्रेविटी, तुम सोचोगे ना कि चल यार सीए से निकलते कुछ और करते, कुछ और क्या करते वो तुमको सूझेगा नहीं,
क्योंकि एक मोमेंट मेरे साथ ऐसा भी आया था कि चल यार अब निकल जाते, कुछ दूसरा कर देते, पर वो दूसरे में ना मजा नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए बीकॉम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। एमबीए इज जस्ट लाइक सैक्रिफाइस फॉर योर ड्रीम्स फॉर अ सीए स्टूडेंट। एमबीए इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, बट यू नो तुमको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं मेरे ड्रीम को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। और हमको कई ऐसे पेरेंट्स आके मिलते, मेरी सीए करने की इच्छा थी, मैं नहीं हो पाया, मेरे बच्चे को करवाऊंगा। अब तुम सोचो तुम्हारे बच्चे को भी यही पेन देना है क्या कि तुम बन के उसको भी बनाओगे? वो तुम सोच के देखो, राइट? नहीं तो बड़ा होके वो भी खुद ने तो लगाई इच, मेरी भी लगाई, अच्छा नहीं लग रहा था क्या? मैं इच्छा से नहीं था इस कोर्स के अंदर, इच्छा से नहीं था ऐसे बहुत मोमेंट थे, राइट? ऐसा लाइट मोमेंट एंजॉय करने का बेटा, यस और नो, राइट? और दुनिया में सबसे ज्यादा मजा ना अपनी डिग्री की उड़ाने में भी आता है भाई, कभी भी। लेकिन इस डिग्री ने भाई जितना दिया है ना उतना कोई और नहीं दे सकता, ये बहुत और है। रिस्पेक्ट है, बहुत दिल से रिस्पेक्ट है इस कोर्स के लिए, और उन लोगों के लिए तो डबल में रिस्पेक्ट है जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं इतने चैलेंजेस के बाद भी। क्योंकि वी ऑल नो हम लोगों का लाइफ जो है ये बहुत ही डेंजर वाला लाइफ है। 3.5 साल जहाँ अपने रिलेटिव शादी में, आप ट्राई करो, अब जब टाइम गया ही है तो बता ही देता हूँ, जब अपने रिलेटिव शादी में एकदम भयंकर तैयार होके आएंगे, आप कभी ट्राई करना सर, आपके रिलेटिव जो सीए नहीं कर रहे होंगे उनका स्टाइल देखना शादी में तैयार हुआ, और तुम देखना उनका स्टाइल, साले जबरदस्त हेयर कट, तुम्हारे आधे हेयर इधर आधे हेयर इधर, कुछ बचे हुए 2-3 सामने निकले हुए, ठीक है? साले उनके नेल्स वेल्स देखना, आ हा हा हा, मतलब वो अच्छे से तैयार हुए ऊपर से नीचे तक के एकदम जबरदस्त कपड़े, राइट? प्रेज्ड। तुम पहले तो जाके ये सर्च करते आज क्या पहनूं, एक शादी तो निकल ही जाएगी तुम्हारी हालत ऐसी रहती साला पहले जाके ये सोचते पहनना क्या है। अच्छा वहां जाकर के सबसे गरीब इंसान तुम ही दिखता। कई बार तो ऐसा भी होगा शादियों में किसी ने बोला कुछ गरीब को देखा, वो आके तुम्हारे हाथ में थमाते तुम बोलते अरे नहीं नहीं मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मैं सीए स्टूडेंट हूँ ये इनको दो। अरे मेरे साथ, मेरे एक कजिन के साथ ऐसा हुआ है, वो बेचारा सीए के पेपर देके आया शादी अटेंड करने के लिए, राइट? भयंकर भयंकर बेकार हालत, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, शर्टिंग ऊपर नीचे हुई हुई। अच्छा उसके पास बेचारे को उस टाइम पे पहनने को कुछ नहीं होगा, तो फॉर्मल कपड़ों में नीचे स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ, फॉर्मल कपड़े में स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ, बेचारे की हालत खराब, उसमें मोजे नहीं पहने, आप समझ सकते हो इतनी अच्छी हालत। वो जो घड़ी है वो किधर जा रही, बाल किधर जा रहे, उसकी हालत खराब, उसका बैग किधर जा रहा, बेचारे को समझ ले कि ये गरीब है, बोले ये ले दे दे, मैं सीए स्टूडेंट है इनको। तो उनको देखना क्या तैयार हुए हुए रहेंगे, और तुम फॉर्मेलिटी के लिए जाना बोल के जाते रहते, क्यों? तुम देखना कभी तुम्हारे रिलेटिव की शादी होगी ना, तुम फॉर्मेलिटी के लिए जाएंगे, और वहां जाकर के दुनिया भर की पंचायती चलती रहेगी, एंड यू विल बी लाइक, तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक चलता रहेगा, कल सुबह 7 बजे कॉस्टिंग का लेक्चर है, फिर अकाउंट्स है, 2 होमवर्क बाकी है, लॉ के एक डीटी का होमवर्क बाकी है, रिवीजन भी करना है, सामने टेस्ट आ रही है और अटेम्प्ट आ रहा है, योर सिचुएशन ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ वर्थ होगी मेरे भाई, बिलीव मी ये सब चीज़ वर्थ होने वाली है। क्योंकि तुम ही नहीं, आई थिंक इंडिया के जितने सीए बने हैं वो सब इन चीज़ों से गुजरे हैं। तो तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा डोंट वरी, राइट? इससे कुछ नहीं होता, एक टाइम आता है, सबका टाइम आता है, तेरा भी आएगा, अपना टाइम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम ना पूरा सीए फाइनल में जब पहुंचोगे ना, तो आज जो तुम्हारे साथ चल रहा ना, इस पॉइंट पे हंसोगे और सीए फाइनल में रोओगे, और सीए पास होने के बाद ना तुमको ये सब मोमेंट सिर्फ याद, जैसे आज हमको हमारे मोमेंट याद आते ना, सिर्फ ये याद नहीं आता कि कितना पढ़ा था, कितनी लगाई थी, कितने बार अमेंडमेंट पढ़ा था, ये सब याद नहीं आता, सिर्फ एक चीज याद आती, भाई दिन थे यार, दिन थे लिटरली, यस और नो? सो आई थिंक 80 जी जी हमको कल ही पढ़ना पड़ेगा, टाइम अप हो चुका है, सो वी सी यू टुमारो, बाय एंड टेक केयर।